मूड कलर्स हार्ड है, ब्लू बर्ड्स है। छोटी आई थी मतलब की मैंने कहा ट्राई करते हैं। नाइस पैकिंग, अच्छी गिर गया। नाइस पैकिंग, कॉपर कलर दिखाना है इधर प्रॉपर चाकोल दिखा। अच्छा चाकोल भी वो है मेटालिक है, हाथों से ही छोट रही है। दिस इज चाकोल। अच्छा ये नया शेड गोल्डन, मैंने दो मंगवाए थे, ये कॉफी है, ये लाइट गोल्ड है, ये रॉयल गोल्ड है, एंड दिस इज ब्रॉन्ज। नहीं तो खाने की कोई चीज नहीं है सर। लाइट गोल्ड कॉफी, ये मैट फिनिश के हैं कलर्स। जी जी पेंट्स है बेटा, फुल नहीं है बॉटल, यानी यहाँ तक ही होती है। 25 ml की है बॉटल, होगी वो 30 ml जितनी है। ब्लड रेड वो मिलियन रेड एंड उसका है। अच्छा जी ये ऑरेंज का शेड है इनका, ये एक्रेलिक पेंट्स। एक्रेलिक होता है जो अच्छी थिक, उसका यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये फैब्रिक पेंट अभी देखते हैं कि डार्क के ऊपर काम करता है कि नहीं। अच्छा फैब्रिक पेंट लिखा लेमन येलो कलर। अच्छा आई एम सैड व्हाट आई गुगू। अच्छा जी ये हो गया स्काई ब्लू कॉस्मिक पिंक। गिर हो गया आप, आगे होके बैठो। कॉस्मिक पिंक नाइस कलर। नाइस ब्लू कलर, स्काई ब्लू। हाँ ये हो गया सिल्वर एंड ग्रीन। हाँ ग्रीन अच्छा कलर, नाइस पथेलो ग्रीन। कलर्स तो सारे अच्छे हैं। एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन कैसी है, स्मूथ है कि नहीं। जिस तरह से मैंने मॉन्ट किसके थे और लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, वैसे तो रिव्यूज अच्छे थे। मैंने कहा लोकल ब्रांड ही है ये भी। पलट के रखो कलर्स दिखाने के लिए। बॉटल्स प्लास्टिक की है, शीशे की नहीं है, अच्छा है क्योंकि गिर जाती तो कलर हो जाता है और रीयूजेबल। कहीं आप इसके अंदर अपना कलर बना के रख सकते हैं, स्पेशली वो वाला। कौन सा
क्या दिख रहा है? हाथ दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। अच्छा चलो, लाइट से यार ये, हाँ ठीक है चलो। अच्छा जी, अब आपने जो यानी कोई डिज़ाइन बनाना है, कुछ करना है, बड़ा आसान है आजकल तो। कुछ अपने खोपड़े भी लड़ाओ, कुछ है पिंटरेस्ट पे, ये मैंने इंस्टा पे कहीं भी सर्च मार के मैंने पिंटरेस्ट पे किया हुआ है। यहाँ से मैं अपनी शर्ट जो मैंने करनी है उसके लिए मैं फ्लावर देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसको ज़्यादातर डायरेक्ट मैं इतना बना लूँ कि वो पूरा का पूरा, यानी ये जैसे ये मैंने सिलेक्ट के लिए चाहिए, ठीक है। या अगर छोटा बहुत बन गया तो फिर मैं इसको बना के फिर उसके फोटो स्टेट से इसको बड़ा करवाऊँगी। लेकिन अभी मुझे चाहिए छोटे छोटे मोटिव्स, 5 से 6 डिज़ाइन में इसमें से सिलेक्ट करूँगी और वो शर्ट पे जो है ना मैं पेंट करूँगी, जो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। बस बाकी डिज़ाइंस फिर आप करके दिखाते हैं उस पर। टी टाइम, टी 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 टाइम। कौन से दो कलर हैं? पैथेटिक ग्रीन, टंगड़ियाँ ऑरेंज। सही है। हाँ लेकिन इसके अंदर मैं येलो मिक्स करूँगी क्योंकि बहुत डार्क कलर है। येलो मिक्स करके ये डायरेक्ट ऑरेंज अप्लाई करूँगी। यूडी बाइंडर मैंने मिला रही इसके अंदर, मैं डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊँ क्योंकि अच्छी इसकी वो है, बहुत वो नहीं है, ड्राई नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि एप्लीकेशन में आसानी हो। पहले आउटलाइन बना लें फिर फिलिंग में आसानी होती है। थोड़ा सा पानी मिक्स किया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी मिक्स किया तो ये स्प्रेड हो जाएगा, अपनी आउटलाइन से बाहर निकल जाएगा। सिंगल कोट से अच्छी उसकी एप्लीकेशन हो रही है, यानी आपको डबल करेंगे तो डार्क हो जाएगा। ये मैंने इसको अप्लाई करके देखा है, सिंगल कोट से ही ये अच्छा कवर कर रहा है उसको नीचे येलो कलर को। यानी बेस की ज़रूरत नहीं है इसमें, मर्ज नहीं हो रहा उस कलर के अंदर ये, यानी अच्छी एप्लीकेशन। हाँ
ड्राई होगा तो और प्रोमिनेंट हो जाता है. जैसे रोजीटा का होता है ना, जब किसी डार्क कलर पे करो तो उसके नीचे से वो कलर दिख रहा होता है कलर में, यानी ये येलो कलर इसमें ऑरेंज में आके ना उसको कर रहा होता है कलर को ख़राब. क्या वो एक वर्ड होता है वो ना, ये मैंने इसका देखा है कि आप सिंगल कोट करो फिर जब आप इसी को डबल करोगे तो ये और डार्क हो जाता है. हाँ, और डार्क हो जाता है. तो यानी एक्रेलिक अच्छे हैं इनके कलर्स, यानी कलर के जिस तरह से है उस तरह से ये भी इसी टाइप की चीज़ है. चलो पैथेलो ग्रीन, पैथेटिक ग्रीन, पैथेटिक ग्रीन, लेकिन कलर बड़ा मज़े का ग्रीन है. थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे हम पानी. ये सवाल ना करें ब्यूटी बाइंडर, मुझे ब्यूटी बाइंडर इतना पसंद नहीं है. कलर मिक्स करना वो अजीब सा जो है रबर टाइप की उसकी हो जाती है जितना यूडी बाइंडर डालते जाओ. थोड़ा पानी मिक्स कर लें, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वाटर क्या है, वाटर बेस्ड है ये कलर. थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं कि उसको रन ही नहीं कर रहा बिल्कुल. मिक्सिंग अच्छे से करें, चाहे पानी डालो चाहे यूडी बाइंडर डालो, आप मिक्सिंग अच्छी करिए. ये लेमन येलो कलर, इसके अंदर मैं ग्रीन मिक्स कर रहा हूँ इसको लाइट करने के लिए. ठीक है, ये थोड़ा थिक सा हो गया क्योंकि इसमें भी मैंने पानी नहीं डाला, थोड़ा सा पानी डाला मैंने. ठीक है, ये लाइट हो गया. दोनों कलर्स को साथ साथ ही चला रही हूँ मैं, लाइट एंड डार्क को. बारीक सी आउटलाइन से बनेगी डंडी इसकी. ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगी, नहीं तो फिर पेंसिल से कर लें इसको डबल ताकि बीच में फिल कर लें आप. ठीक है, पेंसिल से डबल. ये मैंने तो भी सिंगल लाइन डाली हुई थी ना. अच्छा, तो उसके ऊपर कर दी मैंने. अभी मैं इसके अंदर भी शेडिंग कर दूँगी, ये डार्क कलर लगाया. ठीक, साथ इसको लाइट कलर अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते जाएंगे तो अच्छा सा शेड बन जाता है. ब्लेंड ज़रूर किया कीजिए, ये नहीं हो कि एक तरफ इतना गहरा एक तरफ इतना लाइट, वो दूसरी टाइप की शेडिंग होती है. वो जैसे हाफ नहीं होती, हाफ हमने वो किया. लेकिन अगर आपने वो जैसे प्रोफेशनल रजिस्टर से हम कर रहे होते हैं उसमें ऑयल पेंटिंग में, तो उसमें और टाइप की ब्लेंडिंग होती है. ठीक है जी, यानी एक नेचुरल सब आना चाहिए, वो लाइन नहीं वाजिया नज़र आनी चाहिए. वो डिफरेंट होती है ना शेडिंग्स होती हैं, और जैसे हाफ आपने वाइट किया, हाफ आपने ग्रीन किया या येलो किया, इस तरह से करके वो डिफरेंट है. कितनी दफ़ा मैंने डिफरेंट बोल दिया. ओके, लेट्स एंड दिस डिफरेंट. यस, अच्छे कलर्स हैं. उससे भी देखा जाए पहले इनकी बॉटल 100 ml की थी, वो 350-300 तक की थी. अभी इन्होंने अच्छे किए कि 20-25 ml है, या 30-80 की एक बॉटल कर दी है. 25 ml है. हाँ, तो यानी कि आप इसको आराम से, अब अफोर्डेबल है, पेंट भी अच्छा है. मैं दूसरा वाला कर रही हूँ. सारा अंधेरा, साया पड़ रहा है. चलो करो, नहीं तो वो उसको, या तो मैं उस पे आके बैठूँ वहाँ पे आ जाऊँ. आप सही आ रहे ना? हाँ आ रहे.
करते हैं फिर कॉपर वाला भी खाते हैं। रोक दूँ? हाँ। ब्रॉन्ज नया कलर मैंने मंगवाया, ब्रॉन्ज जी बो ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं उससे बंद थी, उससे बंद थी। अच्छा ब्रॉन्ज ये देखो कितना प्रोमिनेंट होता है इस पर, नजर नहीं आ रहा। किसी दिन डार्क पे भी करके दिखाऊंगी, इतने खूबसूरत है इसके गोल्डन और सिल्वर। कॉफी कलर है इसका, हाँ अभी तक मैंने किसी के गोल्डन सिल्वर इतना प्रोमिनेंट नहीं देखा जितने इसका। अच्छा कपड़ों पे करो ना तो वो डल हो जाते हैं, इसका बहुत ब्राइट है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। मुझसे सवाल करने के बजाय आप लोग अगर मेरी वीडियोस देख लो ना तो आपको जवाब मिल जाए, मैंने उसमें सारे सवालों के दिए। वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, 10 सवाल मुझसे कर रहे होते हो कि हम इसमें क्या डालें क्या डालें, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है। तो आप लोग अगर उसको पूरी वीडियो को देख लो ना तो आपके अपने लिए अच्छा है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं हम लोग, सारे सवाल लिखे होते हैं आप लोगों के, ठीक है। एक दफ़ा नहीं देखा ना वीडियो को, 10-10 दफ़ा देखा करें। व्यूअरशिप बड़ा या ग्रीन खाने बताने की वीडियोस नहीं देखा करो। हाँ नहीं वही सवाल पूछ रहे थे कि इसमें क्या मिला है, यूडी बाइंडर डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, फलानी चीज़ कर सकते हैं। भैया वीडियो तो पूरी देखो ना, हर चीज़ का जवाब दिया हुआ उसमें मैंने। स्किप 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 करते हैं ना, स्किप ना किया करो। और स्क्रीन प्रिंटिंग की क्लासेस मैंने दे रही, जब तक आप लोग ये पूरा कोर्स नहीं करते और एक एक वीडियो को 100-100 दफ़ा नहीं देखते कोई स्क्रीन प्रिंटिंग की क्लास नहीं होगी। स्क्रीन करना आसान नहीं है, इसके जो स्क्रीन को धोना पड़ता है ना, इसके पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हो गया कंप्लीट? नहीं उसको अभी इसको करना है बड़ी जल्दी इसको आउटलाइन देते हैं। इसका साया पड़ रहा है ना, वो लंबी हो गई थी ज़्यादा वीडियो। पूरे उसको आउटलाइन, हाँ पूरे उसको आउटलाइन दे दो क्योंकि वो इतना प्रोमिनेंट भी नहीं है अच्छा सा, बस हल्की सी शाइन देगा ऑरेंज के साथ, थोड़ा मर्ज हो गया कॉपर तो थोड़ा ओवर नहीं लगेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट पूरा करके फैलाऊँ उसको? नहीं।